बहुत स्वागत आपका, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चांद पर जीवन। दरअसल अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चौथे सबसे बड़े चंद्रमा यूरोपा के लिए एक नया मिशन अब लॉन्च कर दिया है। यूरोपा किल्पर नाम का यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की डिटेल स्टडी करेगा और इसके साथ ही साथ उन संभावित जगहों की खोज करेगा जहां यूरोपा पर एलियन जीवन हो सकता है। इस यूरोपा किल्पर मिशन का मकसद ये पता लगाता है कि क्या यूरोपा पर जीवन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। दरअसल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने यूरोपा की खोज की थी, जो लंबे समय से साइंटिस्टों को आकर्षित करता रहा है। वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उन्हें पता चला है कि यूरोपा मोटे बर्फीले खोल के नीचे बड़ा महासागर है। यूरोपा और मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले दर्जनों उपग्रह में से एक है। माना यह भी जा रहा है कि यूरोपा पर धरती जैसा वातावरण भी हो सकता है तो उधर जीवन भी संभव हो, और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश चांद पर जीवन। धरती से परे जीवन की तलाश। वैज्ञानिकों के बीच ये सवाल वर्षों से रहा है कि क्या हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की तरह कहीं और भी जीवन संभव है। मंगल पर पानी और जीवन की संभावनाएं ढूंढने की कोशिश लंबे समय से हो रही है। इसी दिशा में धरती से परे जीवन की तलाश में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने बृहस्पति के चौथे सबसे बड़े चांद यूरोपा की ओर 5.5 साल की यात्रा पर अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। नासा ने अपने अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर को यूरोपा की ओर रवाना कर दिया है। नासा का ये प्रमुख अंतरिक्ष यान सबसे बड़ा ग्रहीय मिशन है जो कि चंद्रमा के बारे में नई और अहम जानकारी देगा। बर्फीली सतह के नीचे महासागर के संकेत। नासा वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक महासागर हो सकता है। नासा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फ्लोरिडा के केप कनावरल से शक्तिशाली स्पेसएक्स फाल्कन रॉकेट पर सवार होकर यूरोपा क्लिपर यान ने उड़ान भरी है। ये यान अपने साथ 9 वैज्ञानिक टूल को लेकर गया है। यूरोपा क्लिपर 5.5 साल में 2.9 अरब किलोमीटर की यात्रा कर 2030 में बृहस्पति की एक लंबी लूपिंग ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। मनुष्य की हमेशा से एक जिज्ञासा रही है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, और जब भी वो आसमान में तक कर देखता है चांद तारों को तो उसके मन में एक कुंठा उत्पन्न होती है, क्या किसी दूसरे चांद तारे और उसके सूर्यों के इर्द गिर्द घूम रही हमारी जैसी पृथ्वी है? अगर पृथ्वी है तो क्या वहाँ पर जीवन मौजूद है जैसा यहाँ पर है, जीव है, वनस्पति है? ऐसे दूसरे ग्रह ढूंढने के लिए विज्ञान विगत 250 वर्षों से बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है। दरअसल इनमें जो धरती के बाद मंगल, एस्ट्रॉइड्स और फिर बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ 23 चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, हमारे यहाँ तो एक ही है। उनमें सबसे बड़ा चंद्रमा यूरोपा, उस यूरोपा के बारे में जो अभी रेडियोमेट्री से निष्कर्ष निकला ऐसा पता लगता है, और दूसरे जो प्रोब गए हैं वॉयजर वगैरह और दूसरे बहुत सारे प्रोब गए हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वहाँ कार्बन सिग्नेचर हो सकते हैं। अगर है तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में वहाँ जीवन रहा होगा या अभी भी है। कैसे जीवन की खोज करेगा यूरोपा क्लिपर? यूरोपा क्लिपर वहां पर बायो सिग्नेचर की खोज करेगा। दरअसल बर्फ से ढके यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में जीवन की संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिस्से में जीवित प्राणी हो सकते हैं, इसीलिए वैज्ञानिक सतह और वायुमंडल में ध्यान देके योग्य संकेतों की तलाश करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक चंद्रमा के वायुमंडल की गैसों पर फोकस करेंगे, जिससे ये साक्ष्य मिल सकेंगे कि क्या वाकई ही यूरोपा की सतह के नीचे जीवन है या फिर नहीं। इसी पूरी प्रक्रिया को ही बायो सिग्नेचर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर धरती का बायो सिग्नेचर ऑक्सीजन है, जो ये कंफर्म करता है कि धरती पर जीवन है। कितना खास है स्पेस यान यूरोपा क्लिपर? यूरोपा क्लिपर नासा का अब तक का सबसे हाई टेक स्पेस यान है। इसमें हाई रेजोल्यूशन के कैमरे और 9 वैज्ञानिक टूल्स लगे हैं। इसमें एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडार और एक मैग्नेटोमीटर भी शामिल है। इसके अलावा इसमें ऐसी संचार प्रणाली है जो ग्रेविटी की रिसर्च करेगी, और 2 कैमरे लगाए गए हैं जो कि सेल फोन के आकार के हैं, एक वाइड एंगल तस्वीरों के लिए और दूसरा क्लोजअप्स के लिए।
नासा वैज्ञानिक लिने क्विक हेंडरसन के मुताबिक यान हमें यूरोपा के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। पानी का नमूना भी ला सकता है यान। नासा वैज्ञानिक लिने क्विक हेंडरसन के मुताबिक यूरोपा क्लिपर 49 बार उड़ान भरेगा और यह सतह से 16 मील ऊपर तक जाएगा। यह ऊपर तैरती गैस और धूल को इकट्ठा करेगा। इनका विश्लेषण तय करके ये पता लगाया जाएगा कि वह किस चीज से बने हैं। अगर ये यूरोपा के ऊपर उठ रहे धुएं के गुब्बारे से निकल पाया तो ये उससे पानी का नमूना भी ला सकता है। $5.2 मिलियन की लागत से बना नासा का यूरोपा क्लिपर यान उड़ान भरने के बाद सबसे पहले मंगल ग्रह की ओर जाएगा। करीब 27 फरवरी 2025 को ग्रेविटी की मदद से अपनी स्पीड बढ़ाएगा और पृथ्वी की तरफ आएगा। इसके बाद तकरीबन दिसंबर 2026 में एक बार फिर पृथ्वी की ग्रेविटी की मदद से हाई स्पीड से बृहस्पति की ओर लॉन्च किया जाएगा। यूरोपा क्लिपर 11 अप्रैल 2030 तक बृहस्पति तक पहुँचेगा। नासा के मुताबिक यूरोपा क्लिपर मिशन का बजट लगभग $5.2 मिलियन है। नासा इस मिशन के तहत बृहस्पति के कई चंद्रमाओं में से एक यूरोपा पर जीवन की संभावना तलाशेगा। नासा ने बताया क्यों खास होगा मिशन। नासा की अधिकारी जीना डिब्रैकियो ने हाल ही में कहा था कि यूरोपा पृथ्वी से परे जीवन की तलाश के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक है। ये मिशन सीधे तौर पर जीवन के संकेतों की तलाश नहीं करेगा, बल्कि इस सवाल का जवाब तलाशेगा कि क्या यूरोपा में ऐसे तत्व हैं जो जीवन को मौजूद होने की अनुमति देंगे। अगर ऐसा होता है तो किसी अन्य मिशन को इसका पता लगाने की कोशिश करने के लिए यात्रा करनी होगी। वहीं यूरोपा क्लिपर कार्यक्रम के वैज्ञानिक कर्ट नीबर ने बताया कि यह हमारे लिए मंगल ग्रह की तरह उस दुनिया का पता लगाने का मौका नहीं है जो अरबों साल पहले रहने योग्य रही होगी, बल्कि एक ऐसी दुनिया का पता लगाने का मौका है जो आज या अभी रहने योग्य हो सकती है। दरअसल नासा बर्फ के गोले पर एलियंस की खोज करने जा रहा है और ये बर्फ का गोला बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा यूरोपा ही है। इस उपग्रह की सतह पर बर्फ की कई मील मोटी चादर है और इस पर रिसर्च के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी यानी कि नासा अपना महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च कर दिया है। जो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा तक जाएगा वो नासा का अब तक का सबसे हाईटेक स्पेस यान है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। बृहस्पति के चांद पर जीवन की तलाश। यूरोपा की ओर नासा का क्लिपर। बृहस्पति के चांद पर बसेगा इंसान। जीवन की तलाश में एक और प्रयास। ब्रह्मांड का रहस्य लो, उठेगा पर्दा। नासा का तैयार हो चुका स्पेशल प्लान। यूरोपा पर बर्फ की परत के नीचे एक तरल जल का सागर होने की संभावना बताई जा रही है जो जीवन की संभावनाओं को पंख दे रहा है। नासा के वैज्ञानिक यूरोपा क्लिपर के तहत बृहस्पति के इस चंद्रमा पर एक हाईटेक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बनाई थी जो बर्फ की परत के नीचे के जल सागर में जीवन के संकेतों की खोज करेगा। दरअसल यूरोपा को ही बृहस्पति का बर्फीला चांद भी कहा जाता है और बर्फ के गोले पर जीवन की संभावना और एलियंस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ये हाईटेक अंतरिक्ष यान इसकी खोज करेगा। यह मिशन यूरोपा पर जीवन की खोज करने में बहुत मददगार हो सकता है। वैज्ञानिकों को यह लगता है कि यूरोपा पर मौजूद बर्फीले महासागर के नीचे जीवन के सबसे ज्यादा सबूत मौजूद हो सकते हैं। यूरोपा को क्यों कहा जाता है बर्फ का गोला। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है जो हमारे चंद्रमा से थोड़ा छोटा है। दूर से देखने पर यह सिर्फ बर्फ का सफेद गोला दिखाई देता है। यूरोपा को ही बृहस्पति का बर्फीला चांद भी कहा जाता है। नासा वैज्ञानिकों के मुताबिक जब यूरोपा के पास जाएंगे तो
तो इसमें दरारें और गड्ढे नजर आते हैं जो भूरे रंग का दिखाई देता है। यह उपग्रह बेहद ठंडा है जिसका अधिकतम तापमान -225 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है और इसका न्यूनतम और भी ज्यादा हो सकता है। इसकी सतह पर ऐसी दरारें दिखती हैं जैसे किसी विशालकाय जीव ने इसे अपने नाखूनों से घसीटा हुआ हो। क्या यूरोपा में रहते हैं एलियंस? यूरोपा में बर्फ सतह हिलती दिखाई देती है। नासा का अनुमान है कि इन सतह के नीचे महासागर हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ या तो जीवन है या फिर जीवन की संभावना। नासा के वैज्ञानिक यूरोपा क्लिपर से ये जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरोपा में बर्फ के नीचे एलियंस का घर है। नासा वैज्ञानिक लिने क्विक हेंडरसन के मुताबिक इस मिशन से ये साबित होगा कि क्या यूरोपा में वो तत्व मौजूद हैं जो वहाँ जीवन को संभव बना सकते हैं। पर वहाँ सूर्य की किरणें बहुत मध्यम पहुँचती हैं, वहाँ टेम्परेचर इतना कम है कि वहाँ पानी अगर है तो एक मोटी चादर बिछी हुई है बर्फ की और उसके नीचे समुद्र लहरा रहा है। वहाँ धरती कैसी है, क्या है, वहाँ के वायुमंडल में क्या क्या मौजूद है, क्या वो जीव को संरक्षित कर सकता है। वैसे देखा जाए तो यूरोपा का जो चरित्र है पृथ्वी जैसा ही नजर आता है, लेकिन ये जिज्ञासा, ये वैज्ञानिकों की इच्छा, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है जिससे कि हम ये समझ सकेंगे कि धरती पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। स्पेस में एलियंस होने की संभावना। नासा स्पेस में एलियंस होने की संभावना जता चुका है। स्पेस एजेंसी का ये दावा है कि उसे ऐसे बायो सिग्नेचर मिले हैं। दरअसल शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फिक गैस मिली है। धरती पर फॉस्फीन गैस मिलती है जिसे परिस्थितिक तंत्र बनाने वाली माना जाता है। ऐसे में नासा वैज्ञानिक ये अंदेशा जता चुके हैं कि शुक्र या उसके आसपास एलियंस हो सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में ज्वालामुखी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नासा ने यूरोपा को क्यों चुना? बृहस्पति के कई दर्जन चंद्रमा है, इनमें से चार बड़े हैं। यूरोपा चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नासा पिछले 35 साल से इसे मॉनिटर कर रहा है। दरअसल यूरोपा के बारे में नासा की दिलचस्पी 1989 में जागी थी। उस समय नासा की ओर से गैलीलियो मिशन लॉन्च किया गया था जिसने 8 साल तक बृहस्पति की परिक्रमा की थी। इस खोज में चार बड़े चंद्रमा आए, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड के बारे में पता चला। इसमें सिर्फ यूरोपा ही ऐसा था जिस पर एक महासागर होने की संभावना जताई गई और पानी होने की वजह से यहाँ जीवन होने की संभावना भी दिखी थी। ऐसे में नासा ने यहाँ पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। 400 साल पहले हुई थी यूरोपा की खोज। नासा ने यूरोपा पर जाने का प्लान अब बनाया है, हालांकि इसकी खोज तकरीबन 400 साल पहले हुई थी। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीलियो ने अपने घर में बनी दूरबीन से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे चार चंद्रमाओं की खोज की थी। यूरोपा पर हो सकती है 10 से 15 मील मोटी बर्फ की परत। नासा वैज्ञानिक लिन क्विक हेंडरसन के मुताबिक यूरोपा क्लिपर हमें कई तरह का डाटा भेजेगा। इससे हम ये पता लगाएंगे कि आखिर यूरोपा पर कितनी बर्फ है। अभी तक जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक उपग्रह पर 10 से 15 मील मोटी बर्फ की सतह हो सकती है। इसके अलावा यह भी संभावना है कि इस ग्रह पर धरती से ज्यादा बड़ा महासागर हो जो कि 40 से 100 मील तक गहरा हो सकता है। यूरोपा क्लिपर मंगल और फिर से पृथ्वी के पास से गुजरेगा जिससे वह इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकेगा। विज्ञान के लिए इसके तीन मुख्य मकसद हैं: यूरोपा की बाहरी बर्फ की परत की मोटाई और उसके नीचे की सतह के साथ उसके संपर्क का आकलन करना, तो उधर बृहस्पति के चंद्रमा की संरचना का पता लगाना भी, इसके अलावा उसके भूविज्ञान को समझना भी। तो उधर नासा के मुताबिक ये तीन, आपको ये बता दें, 3 साल की अवधि में यूरोपा के आसपास 49 बार उड़ाने भरेगा। यूरोपा का व्यास लगभग 3100 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी के चंद्रमा का लगभग 90% माना जाता है। यूरोपा बर्फीली परत 15 से 25 किलोमीटर तक मोटी है और इसके नीचे 60 से 150 किलोमीटर गहरे महासागर मौजूद है। सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान।
यूरोपा क्लिपर नासा का अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है, जो किसी ग्रह संबंधी मिशन के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई लगभग 30.5 मीटर, चौड़ाई लगभग 17.6 मीटर है और वजन लगभग 6000 किलोग्राम है। इतना ही नहीं, ये यान बास्केटबॉल कोर्ट से भी बड़ा है। पहले जूस मिशन किया गया था लॉन्च। इससे पहले 14 अप्रैल 2023 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने बृहस्पति और उसके तीन बड़े महासागरीय चंद्रमाओं गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा की रिसर्च करने के लिए फ्रेंच गुयाना में यूरोप के सपोर्ट से जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन लॉन्च किया था। हालांकि जूस के जुलाई 2031 तक ही बृहस्पति पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान अप्रैल 2030 में बृहस्पति तक पहुंचने के लिए 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करेगा, जहां से ग्रह की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के नजदीकी फ्लाई बाय का संचालन करेगा। बृहस्पति कक्षा में 45 मिनट की करेगा यात्रा। इन फ्लाई बाय के दौरान अंतरिक्ष यान के 9 वैज्ञानिक टूल्स चंद्रमा के वायुमंडल, बर्फीली परत और उसके नीचे के महासागर पर डाटा इकट्ठा करेगा। लगभग 10 फुट चौड़ा डिश के आकार का एंटीना कई छोटे एंटीना के साथ इकट्ठा किए गए डाटा को वापस पृथ्वी पर भेजेगा। यह यात्रा लगभग 45 मिनट की होगी, जब अंतरिक्ष यान बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में होगा। एंटीना एजेंसी के डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से नासा के डीप स्पेस एक्स बैंड रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करेगा, जो बड़े रेडियो एंटीना की एक ग्लोबल चार्ट है, जो कि पूरे सौर मंडल में कई अंतरिक्ष यान के साथ संचार करता है। जीवन का पता लगाने वाला मिशन नहीं, यूरोपा क्लिपर जीवन का पता लगाने वाला मिशन नहीं है, लेकिन नासा ने यह कहा है कि यूरोपा की रहने योग्य क्षमता को समझने से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ, क्या हमारे ग्रह से परे जीवन को सहारा देने वाली परिस्थितियां मौजूद हैं। अंतरिक्ष यान यूरोपा के बर्फीले आवरण, उसके नीचे के महासागर और चंद्रमा के वायुमंडल और सतह की भूविज्ञानों में गैसों की संचारण की रिसर्च करने के लिए कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, एक मैग्नेटोमीटर और बर्फ भेदक रडार समेत कई उपकरणों से लैस होगा। इसके अलावा ये एक थर्मल उपकरण भी ले गया है, जो गर्म बर्फ के स्थानों और जल वाष्प के किसी भी संभावित विस्फोट को इंगित करेगा। नासा के मुताबिक मजबूत सबूत बताते हैं कि यूरोपा की पपड़ी के नीचे का महासागर पृथ्वी के सभी महासागरों के कुल आयतन से दुगना है। इस मिशन में नासा जेट प्रोपल्शन लैब और जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैब के वैज्ञानिक शामिल हैं। यही कहा जाता है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से निकालो पूर्ण तो पूर्ण ही बचेगा। यही हमारी सृष्टि का हाल है और मनुष्य की जिज्ञासा है कि इसमें क्या है, और इसके लिए यूरोपा का जो मिशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहां पर अगर प्रोब जाएगा, जाने में भी उसको काफी टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा, और जाने के बाद वहां से जो इन्फॉर्मेशन आएगी तब इस बात की पुष्टि होगी क्या वह समुद्र है या जीव जंतु हैं, वास्तव में है तो किस रूप में है, क्या उनके ज्ञान से हम इस बात का अंदाज लगा सकेंगे कि धरती के ऊपर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। पहला अंतरिक्ष यान पायनियर 10, भारी ग्रहों पर जाने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान पायनियर 10 बृहस्पति के लिए 21 महीने के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये 30 साल से अधिक समय तक चला, जिसने जनवरी 2003 में 7.6 बिलियन मील की दूरी से पृथ्वी पर अपना अंतिम संकेत भेजा। पायनियर 11 ने 1974 में बृहस्पति के करीब से उड़ान भरने के बाद शनि तक अपना रास्ता बनाया। वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने भी बृहस्पति और यूरोपा समेत कई चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण डाटा प्रदान किया। वैज्ञानिकों की दिलचस्पी यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे मौजूद खारे पानी के महासागर में है, जिसका अनुमान अब तक हुई खोजों में लगाया गया है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 तक यूरोपा तक पहुंचेगा। तो उधर बृहस्पति हमारी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसीलिए इसके 95 चंद्रमा है, जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता भी मिली हुई है, और इनमें से यूरोपा चौथा सबसे बड़ा है। गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो इससे बड़े हैं। यूरोपा बृहस्पति से लगभग 6,71,000 किलोमीटर दूर परिक्रमा करता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए
भारत एक्सप्रेस।